भाई लोग बस ड्राइविंग एक और वीडियो में आप लोग हार्दिक स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल ड्राइविंग गुरु नवीन पंडित। मैं आपका दोस्त मित्र ड्राइविंग गुरु नवीन मिश्रा। दोस्तों आज का सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया कि गाड़ी का बस का नॉलेज मतलब जजमेंट कैसे करें, चक्के का, पीछे चक्के का, अगले चक्के का जजमेंट कैसे करेंगे बस चलाने में। तो दोस्तों देखिए आज इसी सब्जेक्ट पर आपको हम विधिवत तरीके से बताएंगे। एक अनुरोध है, जो नए हैं हमारे भाई लोग वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, निःशुल्क है, फ्री है, आपका एक रुपये लगना नहीं है, थोड़ा सा अपने ड्राइविंग गुरु का थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए जजमेंट लेना गाड़ी चलाने में एक बहुत महत्व की बात होती है, ठीक है। पूरी गाड़ी केवल जजमेंट पे ही होती है। कुछ गाड़ियां जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर में तो हमको चक्का दिखाई पड़ता है, सब खुला रहता है, ओपन रहता है, किधर से हमारा चक्का कितने पे जा रहा है वो देखकर हम घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। लेकिन जो भी बंद गाड़ी होती है उसमें हमको चक्का दिखाई नहीं पड़ता है, कितने पे जा रहा है, कितने पे निकल रहा है। और दोस्तों जजमेंट का बस चलाने में सबसे बड़ा महत्व होता है, ये एक बहुत विशेष और गुड़ विषय है। तो देखिए आज इसी पर आपको हम बताते हैं कि जजमेंट कैसे लेंगे और कैसे आपको जजमेंट लेना पता लगेगा, कैसे गाड़ी का जजमेंट लिया जाता है, ठीक है। देखिए आप पहले तो कुछ हमारे जो वीडियो हैं उसमें आप देखेंगे तो हमने रोड पे गाड़ी चला के बताया हुआ है। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो चला के हम दिखाए हैं, बताए हैं उसमें कि अपने जो हमारे मिरर लगे होते हैं जिससे पीछे का व्यू हमारा दिखाई पड़ता है, पिछला चक्का दिखाई पड़ता है। अब देखो हम सर निकाल के तो देख नहीं सकते कि हम सर निकाल निकाल के झांकेंगे, और झांकना भी है तो एक तरफ झांक सकते हैं, दोनों तरफ तो झांक नहीं सकते। इसलिए दोस्तों हमको एक अंदाजा सेट करना पड़ता है, ठीक है। जजमेंट का मतलब यही होता ही है कि आपको एक अनुभव लेना पड़ेगा कि कितने गैपिंग से हमारी गाड़ी निकलेगी, ठीक है, वो कैसे आएगा, वो धीरे धीरे करके आपको चलाते हुए चलाते चलाते अनुभव प्राप्त होता है। और कितने से हमारा चक्का निकल रहा है ये दूसरे साइड में जो मिरर है, हमारे बगल में जो मिरर है, दोनों मिरर को हम देखेंगे और रोड पर कितना गैपिंग लेके चल रही है हमारी गाड़ी, ये धीरे धीरे जब आप चलाएंगे तो धीरे धीरे करके आपको ये अनुभव आने लगेगा, खुद अंदाजा मिल जाएगा। और इसका कोई साइंस नहीं होता है कि कितने से कैसे क्या होगा, कोई इसका विशेष साइंस नहीं, केवल एक सीधा सिंपल यही एक साइंस होता है, यही एक चीज समझना होती है कि हमारी गाड़ी कितना गैप लेकर चल रही है, ठीक। क्या समझना है, कितना जगह हमारी गाड़ी लेकर के चल रही है, कितने गैपिंग से निकल रही है। इसका जब हम मिरर में देखते हैं ना तो रोड पर कितने पे हमारा चक्का जा रहा है, पिछला चक्का, वो अनुभव हो जाता है, तो उतना ही हमारा अगला चक्का जा रहा है, ठीक है। ये समझिए आगे से पीछे तक एकदम बराबर गाड़ी बनी होती है, बस बस जो होती है, तो ताकि आगे का चक्का जब निकल जाता है तो पिछला आराम से निकल जाता है। इसीलिए दोस्तों जब कभी आप रोडवेज ड्राइवरों को देखिए जब चलाते हैं तो उनका आधी गाड़ी निकली नहीं गैप में, वो पीछे से निकाल देते हैं, वो जान रहे गाड़ी हमारी निकल गई। जजमेंट केवल आगे से ही लेना पड़ता है, और उसको कहीं अगर आपको सस्पेंस में है गाड़ी हमारी यहां से निकलेगी नहीं निकलेगी, तो पहले आगे का मुंह आप घुसाइए उसमें, आगे का जब फ्रंट घुस जाएगा तो धीरे धीरे जब आधी गाड़ी आपकी वहां पहुंच जाएगी तो आप समझ जाएंगे गाड़ी हमारी निकल जाएगी। ये समझिएगा अगर आधी गाड़ी हमारी कहीं गैपिंग में गई तो पीछे का पूरा हिस्सा फिर निकल जाएगा, पीछे का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते ई की सीधा निकालना पड़ेगा आपको। और अगर आपने टर्निंग करके निकाला है तो दोस्तों फिर गाड़ी नहीं निकलेगी, फिर आपको जितनी गाड़ी है इसके दो गुना स्पेस चाहिए, मतलब जितना चौड़ी हमारी गाड़ी है उसके उतनी ही चौड़ाई और चाहिए आपका पिछला चक्का निकलने के लिए। ये समझिए विशेष बात, पिछला चक्का जैसे हम टर्निंग कर रहे हैं तो जितनी हमारी गाड़ी की आगे चौड़ाई है उतनी चौड़ाई हमको और होनी चाहिए। अगर हम राइट टर्न करें तो राइट में भी उतना गैप होना चाहिए, और लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट में भी उतना गैप होना चाहिए, तब हमारी गाड़ी पास होगी, ठीक है, इस विशेष को ध्यान दें। और सीधा सीधा अगर आपको चलना है तो फिर सिंपल तरीके से आगे का फ्रंट अगर आपका चला जा रहा है तो पिछला चक्का आराम से निकल जाएगा। तो अनुभव से ही जजमेंट आता है,
और कहीं से नहीं आता, ये बात आप बिठा लीजिए। जब आप रेगुलर चलाएंगे 10-15 दिन महीने भर 2 महीने में, तो आपको अनुभव आ जाएगा कि जजमेंट कैसे लेना है, कितने से हमारी गाड़ी पास हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, विशेष महत्व तो इसी बात का होता है। और जजमेंट पर पूरी गाड़ी होती है, पूरी गाड़ी जजमेंट पर ही चलती है। हम लोग अंदाजे से ही चलाते हैं, कोई नीचे देखता तो है नहीं कितने से निकल रही कितने से जा रही है। इसलिए दोस्तों अंदाजे से ही जजमेंट पर पूरी गाड़ी डिपेंड होती है। जिस दिन आपको जजमेंट लेना आ गया, समझिए आपको ड्राइविंग आ गई। सबसे विशेष महत्व यही है कि ड्राइविंग तब तक नहीं आएगी जब तक जजमेंट लेना नहीं आएगा। तो दोस्तों विशेष बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, तब हम केवल बता सकते हैं। ठीक है, और समझना खुद, अनुभव आपको खुद से लेना पड़ेगा। ये चलाते चलाते अनुभव आता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों देखिए, हमारे जो चैनल है इस पर हर विषय पर आपको ऐसा यूनिक वीडियो मिलेगा किसी और चैनल पर आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए भाई लोग एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना ड्राइविंग संबंधी नॉलेज बढ़ाती रहिए। जो भी आपको और जानकारी चाहिए, आपको यदि मैं कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पर हम आपको अगर हो संभव हुआ तो कमेंट में ही जवाब दे देंगे, और नहीं तो उस पर अगर संभव है तो आपको एक वीडियो बनाकर स्पेशल दिया जाएगा। ठीक है भाई लोग, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। राम राम, जय सिया राम।